यह चलचित्र एक काल्पनिक कार्य है। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय, संप्रदाय या धर्म का अपमान करना नहीं है। यह चलचित्र और इसके सभी पात्र काल्पनिक है और इनकी किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता केवल आकस्मिक है। मिस्टर खुशाल भोयर आइए बैठिए। क्या हुआ आपको? सर मेरे को बहुत दिन से खांसी है, आज सुबह तो खांसते हुए घूम गया। और क्या क्या तकलीफ है? आजकल थका थका महसूस करता हूँ और खांसते हुए सीने में दर्द भी होता है। कुछ दिनों से इनका खाना पीना भी कम हो गया और चार पांच दिनों से बुखार भी है। आइए बैठिए। देखिए दो हफ्तों से ज्यादा खांसी नहीं तो टीबी भी हो सकता है। टीबी? डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपको एक छोटी सी टेस्ट लिख के दे रहा हूँ जिससे पता चलेगा आपको टीबी है या नहीं। ये छोटी सी टेस्ट डॉक्टर श्रद्धा के पास जाके करवा लीजिए। ठीक है। मैम रिपोर्ट हो गई क्या? आपका नाम? खुशाल भोयर। ये रहा आपकी रिपोर्ट, डॉक्टर को जाकर दिखा दीजिए। छह महीने के लिए दवाई लिख के दे रहा हूँ जो आपको रोज देनी है। ठीक है, और हर महीने चेकअप के लिए आना है। डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? बिल्कुल, बस दवाई टाइम पे लिया कीजिए। अरे समीश तेरी तबीयत ठीक नहीं हुई क्या अभी तक? यार मुझे तो बहुत बुखार है, इतनी बार कहा तुझे डॉक्टर के पास चल, चलता ही नहीं है। कोई नहीं यार, बुखार है ना ठीक हो जाएगा। ठीक है तू आराम कर, मैं आता हूँ। भयानक सर दर्द, तेज बुखार, गर्दन का अकड़ना और उल्टियां आना, ये भी टीबी के लक्षण हो सकते हैं। इसे नजरअंदाज मत कीजिए। संक्रमित बीमारी है और ये ध्यान रखिए खासकर आपका मुंह हमेशा ढका होना चाहिए। आवाज मत करो।
आज तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मेरा टीबी का इलाज शुरू है इसलिए चेकअप के लिए आया था। और आप यहाँ कैसे? मेरे डॉक्टर अमेया के पास चेकअप है इसलिए मैं आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा नंबर आ गया, मुझे जाना होगा। आपका कोर्स पूरा करना चाहिए था। आप जैसे पढ़े लिखे इंसान ही ऐसी गलतियां करेंगे तो हम बाकी को क्या बताएंगे? तो डॉक्टर साहब, डरने की बात तो नहीं है कुछ? हाँ, डरने की बात है। अगर दवाइयां बीच में बंद कर दी तो टीबी फिर से आता है और इस बार खतरा भी बहुत ज्यादा रहता है। मैं आपको टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, ये आप डॉक्टर श्रद्धा के पास जाके कर लीजिए, ठीक है? अगर मैंने खांसते वक्त ध्यान रखा होता तो मेरे बीवी को टीबी नहीं होता। अगर मैं अपने लक्षणों को नज़रअंदाज ना करता तो मैं टीबी को बढ़ने से रोक सकता था। अगर मैंने दवाइयाँ बीच में नहीं छोड़ी होती तो मुझे टीबी फिर से नहीं होता। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो हवा के मार्फत बीमार आदमी से स्वस्थ आबादी में तेजी से फैलती है। WHO के 2016 के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की एक चौथाई आबादी टीबी का शिकार है। 2016 में लगभग 10.4 मिलियन लोगों को टीबी हुआ था, जिसमें से 1.7 मिलियन लोगों की मौत हो गई। भारत का नाम दुनिया के 7 मुख्य टीबी ग्रस्त देशों में आता है। भारत सरकार ने डॉट्स, निश्चय, RNTCP गाइडलाइंस, IAPSM, नेशनल हेल्थ मिशन जैसे प्रोग्राम देश को टीबी मुक्त करने के लिए शुरू किए हैं। दुनिया भर में टीबी को खत्म करने के लिए वर्ष 2030 तक का समय तय किया गया है, लेकिन भारत सरकार ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य अपने लिए तय किया है। आइए हम सब मिलकर अपने देश को टीबी मुक्त करें। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।